मुझे जितनी गालियां दे सकते हो दे लो, लेकिन कसम खुदा की अगर मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली भी उठाए तो जा। हजरत अल्लामा मौलाना रज़ाए रसूल साहब, अल्लाह ताला इनके इकबाल बुलंद करे। आमीन आमीन माशाल्लाह। उर्स 48 साल से चलता आ रहा है, लेकिन इस उर्स में मुझे बुलाकर शायद वो थोड़ा बहुत तो डगमगा गए होंगे। इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि घबरा गया हूं। हालात ऐसे हैं कि उन्हें पता होगा, कुछ लोगों ने हमारी इमेज ऐसी बनाई है कि ये कट्टरवाद है, ये भड़काऊ बातें करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सिर्फ यही चीज देखने के लिए आते हैं। मेरे अजीज, तो हमारी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, हमारी पूरी तारीख मौजूद है। हम इस शहर में या इस वतन में मेहमान बन करके नहीं आए। हाँ, ये हमारा अपना देश है, हमारा अपना वतन है, इससे वैसे ही लगाव है। हमारे लोगों ने अगर ये इमेज बना रखी है तो दिमाग थोड़ा साफ कर लो। अगर हमारा दिमाग कहीं गर्म होता है या सख्त बोलते हैं तो सिर्फ उसी जगह पर जहां मेरे मुस्तफा के खिलाफ कोई उंगली उठाता है। मैं सबसे कहता हूं, गाली देना है मुझे दे, कोसना है मुझे कोसो, बुरा कहना है मुझे कहो, इंशाल्लाह सबर कर ले जाऊंगा, तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। मुझे जितनी गालियां दे सकते हो दे लो, लेकिन कसम खुदा की अगर मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली भी उठाए तो जान अगर बाकी है तो हम जवाब दे करके रहेंगे। इसलिए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जज्बात की बात है, इसलिए कि हमारी जान से ज्यादा बढ़ करके मामला है। दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि हम अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम की हुजूर पाक की जात है, और वही हमारे जज्बात हैं। और अगर ये बात भी सुन ले, कोई अगर ये कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भोगता है तो भोगते, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं हम इतने बेगैरत नहीं हुए, तुम तो अपनी बीवी को छेड़ो तो उछल जाते हो। हाँ, तुम तो अपनी बहन और माँ के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। हमारा हाल ये है कि करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात है, इस वजह से हम कभी जवाब देने में सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद कानून के दायरे में रह करके करते हैं। ये तो हमारे अखलाक की बात है, जो इस्लाम ने हमें तमीज सिखाई है, जो इस्लाम ने हमें अखलाक सिखाया है, उस दायरे में रह करके बात करते हैं। और इंशाल्लाह अजीज, बोटियां हजार कर लो लेकिन हर टुकड़ा मेरे मुस्तफा की हिफाजत, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए। उनके नामों की हिफाजत के भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद।